नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम फिलहाल नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने मौजूद हैं, जहां पर आज हाउस मीटिंग आयोजित जारी है, यानी कह सकते हैं मीटिंग जारी है अभी तक, जिसमें करीब 17 विकास कार्यों के मामलों को सिरे चढ़ाने के लिए चेयरपर्सन प्रीति भवानी प्रताप की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन है। और एक महत्वपूर्ण जो फैसला है, 1 सितंबर से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का, ये सबसे बड़ा फैसला हम ये कह सकते हैं। और ये विशेष तौर पर करीब 8.5 करोड़ के बजट से, वार्षिक बजट है ये, इसके इंदौर की एक कंपनी ने टेंडर लिया हुआ है, यानी कि कल से भिवानी शहर की तस्वीर बदलने वाली है। ये हाउस मीटिंग में एक महत्वपूर्ण फैसला है। हालांकि जो 17 पॉइंट हैं उन पर हम नगर परिषद चेयरपर्सन से बातचीत कराएंगे, प्रतिनिधि से भी बातचीत करेंगे, कितनी बातें सिरे चढ़ पाई, लेकिन जो एक अहम फैसला जो अभी तक जो हमारे सामने आया है, नोटिस में आया है, इंदौर की कंपनी ने 8.5 करोड़ के बजट में, वार्षिक बजट में सफाई अभियान टेंडर लिया हुआ है। करीब डोर टू डोर अभियान है ये, और कूड़ा कलेक्शन का ये कार्य होगा। इसमें हम ये कह सकते हैं शहर में 17 विकास कार्यों की गतिविधियों को सिरे चढ़ाने के लिए नगर परिषद में चेयरपर्सन प्रीति भवानी प्रताप की अध्यक्षता में एक हाउस मीटिंग का आयोजन है, जिसमें प्रमुख व महत्वपूर्ण जो 1 सितंबर से भिवानी में कार्य देखने को मिलेगा वह डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का होगा। इसके लिए बाकायदा इंदौर की एक कंपनी को सफाई व्यवस्था का वार्षिक ठेका करीब 8.5 करोड़ का दिया गया है। ये कह सकते हैं कि अब शहर की रंगत बदलने लगेगी और कूड़े के ढेर कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। अन्य जो 16 पॉइंट हैं उसको लेकर के हम आपकी बातचीत कराएंगे। पार्किंग का व्यवस्था बना दे, टेंडर लगा दे, व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। उस फुटपाथ के ऊपर वो बाइकें और गाड़ियां ऐसी व्यवस्था हो जाएगी ताकि सड़क के ऊपर हमारे जाम की स्थिति ना बने। इसके अंदर बहुत सुधार हो, सुधार के लिए अच्छा क्या करते हैं, आमंत्रित रहेंगे। जो आगे फुटपाथ बनी हुई है ना, उसका अतिक्रमण ज्यादा है। जहाँ चीजें हो सकती है ठीक है, जहाँ खाली जगह मिलेगी वहाँ हो जाएगी। जैसे हमने देखा ही नहीं अपना सिविल हॉस्पिटल है, साथ साथ में लंबी दूरी कर सकते हैं। पार्क है, नेहरू पार्क के सामने हम रखता कर सकते हैं। तो बहुत सी जगह ऐसी भी है, बैप्टिस्ट स्कूल है, हम कर सकते हैं। चलने की व्यवस्था हो ऐसे बिल्कुल हो सकती है। और जो गाड़ियों की है एक शहर के अंदर दो जो हमारे फुटपाथ है, ये चीजें आप अपने अपने वार्ड के विकास कार्यों के अंदर आप दीजिए। जहाँ फुटपाथ बननी है, जहाँ पर सड़कें बननी है, आप अच्छी तरह से उनको बता भी सकते हैं कि भी पुराने घर से लेकर पाने के इस दुकान तक, इस रोड से लेकर इस गली तक फुटपाथ बनाने की आवश्यकता है। ये चीजें आप लिख के दीजिए, थोड़ा उनकी प्रभावित करती है। उसकी एक नोट करो, मुझे बताइए। एक हाउस टैक्स के अंदर अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की फीस 2000 रुपये हमने प्रस्ताव पास करके लगवाई थी। पहले ये व्यवस्था थी कि रजिस्ट्री अगर नहीं हो के आती है तो नई रजिस्ट्री के, जब से रजिस्ट्री हुई है 3 महीने तक उसके अंदर कोई शुल्क नहीं लिया जाता था ट्रांसफर का। फिर हमने ही हाउस के अंदर ये व्यवस्था की थी, प्रस्ताव पास करके उसमें 1000 रुपये लेने की व्यवस्था की थी, 500 रुपये की, फिर 1000 रुपये की नगर परिषद की इनकम बढ़ाने के लिए की थी। अब वो 1000 रुपए से 2000 रुपए कर दी गई थी। अब हम चाहते हैं कि 2000 शुल्क बहुत ज्यादा है। उसके अंदर आम आदमी, एक गरीब आदमी पहले रजिस्ट्री के बहुत से खर्चे तब के आए, फिर नगर परिषद ने आकर फिर 2000 रुपए दिए। तो मेरा सुझाव ये है कि उसको 2000 से 1000 रुपए कर दे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ आकर के अपना रसीद कटवा सके और उसका शुल्क भी ज्यादा हो। इस बारे में साथ साथ में एक चीज और है, 200 रुपये असेसमेंट जो लगते हैं, 200 की जगह हम 100 रुपये शो कर दें। हमने देखा है कि 200 रुपये रसीद तो कटवाते नहीं है,
उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, वो ना तो 100 रुपए रसीद कट पाती है, ऐसा शुल्क निर्धारित कर लें जिसके अंदर सभी बिना रसीद के ज्यादा होगा तो भाई बोझ ही पड़ता है। पार्सल होते हैं वार्ड के अंदर 5-10 मिनट बनवानी है, अब पार्सल तो 200-200 रुपए तो कलेक्ट नहीं करेगा, वहां से फोन आ गया 5 लोगों का तो 200 रुपए के 5-10 मिनट के रुपए धार लगे, तो गरीब आदमी है बेचारे ने कुछ नकल लेनी है, कुछ काम करवाना है, तो उसके लिए उसकी कमाता ही जब वो 200-300 रुपये है एक दिन के, 200 रुपये नकल के दे देगा, उसके घर चूल्हा कैसे चलेगा। तो कुछ एक व्यवस्था ऐसी है जो सुधार की जरूरी है, तो पीआईडी का भी सरलीकरण करो ना, इसका खर्च भी नहीं होगा पीआईडी खातर, बिल्कुल क्या करेंगे, पहले कुछ ये एजेंडे है कर देते हैं, पीआईडी चर्चा करेंगे, ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और इसके बारे में बहुत सुधार भी हुए हैं, पूरी चर्चा होगी और मैं साथ साथ में 200 रुपए सस्पेंड के की जगह 100 रुपये, अब मेरा आपसे एक निवेदन और है, नंदीशाला के नाम से अगर व्यवस्था ऐसी हो सके तो मैं चाहता हूँ 50 रुपए सस्पेंड की हो और 50 रुपए हम नंदीशाला के नाम से एक पर्ची कटवा सके। आप 100 रुपये करो, 100 ये करो और 100 नंदीशाला करो, और बोलो ठीक है, आपका सुझाव है ये 100-100 रुपए दोनों काम कर सकते हैं, बच्चा आप दस करें, बात तो वही हुई ना, हम चाहते हैं कि गरीब आदमी की जेब पर बोझ ना पड़े, हम 50-50 रुपए दोनों कर दें और साथ में एक दान पत्र यहाँ नंदीशाला के नाम का हम लगा दें, किसी व्यक्ति को कोई दान तो करना है तो ऐसा करें नंदीशाला की और दान पत्र डाल दें, जो ट्रांसफर फीस होगी वो रहने के लिए भी लागू होगी, ये नहीं की रहने के लिए एक व्यवस्था पहले की थी 1%, अगर किसी ने 1 करोड़ का लोन कराया 1 लाख रुपए पर्ची कटवाती है, गलत थी वो हमने ठीक करके सारा सिस्टम बनाया 14-15 में, अब हम चाहते हैं कि भी रहने के लिए अगर किसी ने भाई कोई लोन लेता है जरूरत में लोन लेता है, 100 लोन तो वो लेता नहीं, तो अगर किसी का कितना भी लोन है जितनी ट्रांसफर फीस होगी उतना ही रहन दर्ज कराने की किसी के अंदर लगे, सारे जितने भी हमारे वार्ड है सबके अंदर विकास के कार्य हों, उसके लिए सबसे बड़ा निवेदन है अधिकारियों से भी है और हमारे पार्षदों से कि आप किसी भी वार्ड को छोटा न छोटे हरेक वार्ड में ये काम करने का अपना निर्णय है वो करना है, तो ये सामने रखे हैं इन सब एजेंडों के बारे में अपने अपने लिए भी डिमांड्स के बारे में जरूर बताए, क्योंकि कई बार कोई एरिया छूट जाता है और उसके बाद ये समस्या और आगे बढ़ती चली जाती है, मैं ये मानता हूं कि स्ट्रीट लाइट की बात हो समान विकास एक हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ें तो सारे शहर का विकास संभव हो पाएगा, इसके लिए कुछ एजेंडे हमारे भवानी प्रताप ने बनाए हैं पार्षद ने, तो उन एजेंडों के बारे में आप लोग अपनी अपनी राय दें, मैं मुझे हिसार की मीटिंग में जाना है, मैं इन सबको आशीर्वाद देते हुए कुछ बड़े भी एमएलए थे उनका आशीर्वाद देते हुए भी हम आगे बढ़े, शहर की शान सब बढ़ेगी जब प्रत्येक पार्षद अपना काम देगा, क्योंकि कई बार ये काम अधूरे रह जाते हैं जिसके कारण हमारा शहर पिछड़ता बना रहता है। पर्सनली आपके वार्ड की जो प्रॉब्लम है कि आप उनको फेस करते हैं तो आप उन प्रॉब्लम को रखेंगे जो भी एजेंडे से सब आपके सामने रखे उनमें क्या क्या चेंजेस चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद फिर आप सोचो अरे इसमें तो ये चेंज होना था, इसमें ये बदलाव लेके आना था, तो अभी टाइम है जिसके भी दिमाग में आ रहा है कि जो भी एजेंडा अभी रखा है जो भी प्रपोजल आपके सामने रखा गया इसमें जो भी चेंजेस है तो आप अपने अपने विचार यहाँ रख दीजिए, जो भी आपके व्यूज हैं वो रखिए, क्योंकि सबकी सहमति से ही काम होगा।